मतलब उन लोगों ने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। एंड आज जो हकीकत है इस ब्रांड का, इट्स अ रियली शेडी ब्रांड, दाम बढ़ा के डिस्काउंट दे रहा है। तो ये बकायदा अगर ये वारंटी खत्म होने के बाद आपको कोई कुछ प्रॉब्लम होता है। हेलो एवरीवन, दिस इज शिंजन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे अगारो ब्रांड को लेके। यस, यू हर्ड मी राइट, दिस इज अ ब्रांड विच आई हैव ऑलवेज स्पोकन हाईली अबाउट, बट समथिंग हैपेंड जिसको शेयर करना मेरे लिए आप लोगों के साथ बहुत जरूरी हो जाता है। लेट्स गेट स्टार्टेड। आप लोगों को पता होगा, अगर आप लोग हमारे चैनल में रेगुलर व्यूअर हैं या आप नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने अगारो का बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज किए हैं एंड लास्ट ईयर से मैंने परचेस करना शुरू किए हैं एंड उसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। लाइक मैंने मेरे नए घर के लिए मैंने वैक्यूम क्लीनर खरीदा था, हेयर ड्रायर खरीदा था मेरे वाइफ के लिए, एंड कॉस्मेटिक्स के लिए कुछ रोल ऑन वाइपर्स, ऐसे कुछ बहुत सारे वो लोग यू नो कॉस्मेटिक्स के चीज़ें सेल करते हैं जो मेरे वाइफ ने भी खरीदा था, बिकॉज वैक्यूम क्लीनर का मैंने बहुत अच्छा रिव्यू शेयर किया था एंड हमारा एक्सपीरियंस अच्छा था। हेयर ड्रायर भी खैर अच्छा ही है एंड कॉस्मेटिक्स का जितने भी सारे प्रोडक्ट्स मेरे वाइफ इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी खैर ठीक ठाक ही है, अभी तक कोई प्रॉब्लम हमें फेस करने को नहीं मिला। एक चीज़ है जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज माई हाई अगारो हाई प्रेशर वॉशर जो मैंने अपने कार वॉश के लिए खरीदा था। अब देखिए, कार वॉश के लिए मैंने जो खरीदा था वो पहले दो दिन बहुत अच्छे से चला। डिलीवरी मैंने अप्रैल महीने में दिया था, अमेजोन से खरीदा था। अमेजोन में कुछ ईयर एंड फाइनेंशियल ईयर एंड सेल चल रहा था के करीब, तो मार्च महीने में ऑर्डर कर दिया था, अप्रैल में मुझे डिलीवरी मिल गया था। तो उसको मैंने सिर्फ 3-4 बार ही यूज किया एंड आप लोगों को अनबॉक्सिंग का वीडियो भी शेयर किया। मैंने 2 ऑर्डर किया था, एशियन पेंट्स एंड अगारो, दोनों में से एक ही रखना था मुझे। मैंने एशियन पेंट्स रिटर्न कर दिया और अगारो का मैंने रख लिया। बट 2-3 बार इस्तेमाल करने के बाद मैंने उसका यूजर रिव्यू बनाने का भी सोचा था, बट वो हो नहीं पाया, कभी आ भी नहीं पाया, बिकॉज मैं यूजर रिव्यू कैसे बनाऊं जब प्रोडक्ट काम करना ही बंद कर दे। यस, यू हर्ड मी राइट, 2-3 बार इस्तेमाल करने के बाद विद इन 1 मंथ वो प्रोडक्ट काम करना बंद हो गया एंड तुरंत मैंने अमेजोन को रिक्वेस्ट भी प्लेस किया मे एंड में कि मैंने ये ऑर्डर मतलब आप लोगों से खरीदा है ये प्रोडक्ट एंड ब्रांड को मैंने फ़ोन किया था। अब देखिए, उन लोगों का वेबसाइट जो है वो बहुत ही डिटेल्ड है एंड अगारो ब्रांड आज के डेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स सेल करते हैं जिसका मैं आप लोगों को कुछ क्लिपिंग्स दिखाता हूँ। देखिए, वो लोग होम अप्लायंस भी बेचते हैं, वो लोग कार एक्सेसरीज भी बेचते हैं, वो हाउस क्लीनिंग के भी यू नो सेल करते हैं एंड उन लोगों ने अपना जो SKUs है वो बहुत सारे बढ़ा दिए हैं अभी आज के डेट में एंड वेबसाइट भी वेल ऑर्गेनाइज्ड है। देखने से पता चलता है कि चलो ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, बट उन लोगों का जो कॉन्टैक्ट अस का पेज था, मैंने उस कॉन्टैक्ट अस के पेज में जाके मैंने उस नंबर पे कॉल किया बहुत बार ये बताने के लिए कि मेरा प्रोडक्ट काम करना बंद हो गया है, अब मुझे सर्विस सेंटर जाना है या ऑन साइट सपोर्ट अगर मुझे मिल जाए ब्रांड की ओर से। बट ब्रांड की ओर से कोई भी सपोर्ट मुझे मिला नहीं एंड ब्रांड की ओर से कोई भी रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिला, कोई फ़ोन भी नहीं उठाया। मैंने contact@agarolifestyle जो ईमेल आईडी है उसमें भी आप देख सकते हैं मैंने मेल किया है, बट उस मेल का भी जवाब आज के डेट तक मुझे नहीं मिला है। खैर, मैंने अमेजोन में रिक्वेस्ट रेज किया, कस्टमर सर्विस से मुझे बताया गया है कि सर पहले आप ब्रांड को कॉन्टैक्ट कीजिए, ब्रांड जब तक आपको कुछ सोल्यूशन नहीं दे देता है हम लोग आप को सोल्यूशन कुछ दे नहीं पाएंगे, बिकॉज एक बार होम अप्लायंस का प्रोडक्ट हमने सेल कर दिया है तो अब वारंटी का प्रॉब्लम जो है वो ब्रांड ही सॉल्व करता है। मैंने कहा ये हर ब्रांड्स के लिए एप्लीकेबल है, वो आप सैमसंग का फ्रिज कहीं से भी खरीदो, दुकानदार थोड़ी सर्विस देता है, आपको सैमसंग के सर्विस सेंटर में कॉल लोकेट करना पड़ता है, वो लोग बंदा भेज देते हैं एंड प्रोसेस यही है। कोई भी होम अप्लायंस हो, वो चाहे AC हो, माइक्रोवेव हो, रेफ्रिजरेशन हो या वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो, होम अप्लायंस का सर्विस का जो यही पॉलिसी है या हम लोग यही देखते आए हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो मैं सर्विस सेंटर को कॉल करता हूँ, सर्विस सेंटर का कोई बंदा हमारा साइट पे या जहाँ पे मशीन है वहाँ पे भेजते हैं, वो लोग डायग्नोसिस करते हैं, प्रॉब्लम का जो इशू है उसे आइडेंटिफाई करते हैं एंड उसके बाद हम लोगों को एक एस्टिमेट दे देते हैं। अब अगर वो प्रोडक्ट वारंटी के अंडर आता है
तब कोई इशू नहीं है, वो रिप्लेस हो जाता है। अगर वारंटी में नहीं आता है तो हमें पे करना पड़ता है विद द लेबर चार्ज, दैट इज द सिंपल प्रोसीडियर। अब मैंने यही चीज अगारो से भी एक्सपेक्ट किया था, अमेजोन से जून महीने के स्टार्टिंग से मई एंड में तो एक बार मैंने ब्रांड को मतलब अमेजोन को कॉन्टेक्ट किया, अमेजोन ने बोला था ब्रांड को कॉन्टेक्ट करने को। अब एक हफ्ता 10 दिन तक मुझे ब्रांड के ओर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो मैंने जून महीने से कॉन्स्टेंट अमेजोन को कॉन्टेक्ट करता गया हर एक हफ्ते के मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताइए क्या होगा क्या होगा। तो अमेजोन ने भी कुछ अच्छा खासा रिस्पॉन्स हमें नहीं दिया है। हालांकि जुलाई महीने मतलब जून महीने पूरा ऐवी कट गया। देखिए हम लोग काम करते हैं, हम लोग एक चीज को लेकर थोड़ी बैठे रहेंगे, तो जून महीने में और फॉलोअप नहीं हो पाया। मुझे बाहर जाना था बैंगलोर, तो मैंने बैंगलोर चला गया और फिर बैंगलोर से वापस जब जून एंड में आया तब मैं दोबारा जुलाई फर्स्ट वीक में कंपनी को दोबारा कॉल किया, कोई नहीं उठाया। फिर अमेजोन को जब फाइनल कॉल किया, अमेजोन ने कहा कि सर आप इस मेल आईडी में काइंडली उन लोगों को एक रिक्वेस्ट भेजिए कि आपका क्या प्रॉब्लम है अप्लायंस में। तो मैंने उन लोगों का दिया हुआ लिंक को क्लिक करके मैंने और एक रिक्वेस्ट फॉर्म भरा, जिसमें मैंने अपना प्रोडक्ट का मॉडल नंबर एंड प्रॉब्लम मेंशन करके सबमिट कर दिया। अब वो सबमिट करने के बाद 2 दिन के बाद मेरे पास एक कॉल आता है अगारो के सर्विस सेंटर से। अब सर्विस सेंटर से जब कॉल आता है आई वॉज रियली शॉक्ड, बिकॉज दुनिया में ऐसा कोई कंपनी को रिस्पॉन्ड करते हुए मैंने नहीं सुना है। एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम मेरे साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि आप खुद ही सुन लीजिए, वॉइस रिकॉर्डिंग आपको मैं सुना देता हूँ। हेलो, हाँ ठीक है सर, मैं चेक करता हूँ। आप कोई बंदा भेज दीजिए, आप अगारो कंपनी से ही बोल रहे हो ना? हाँ, अगारो से ही बात कर रहे हैं। आप एक बात कीजिए, आप अपना टेक्नीशियन भेजिए, वो आके देख लेगा क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है मशीन में। फॉर द लास्ट 3 मंथ्स आई एम रनिंग आफ्टर द कंपनी, नोबडी केयर्स टू रिस्पॉन्ड। तो आज के डेट में आपने कॉल किया है, आपको अमेजोन में भी मैंने रिक्वेस्ट किया है और अमेजोन को मैं अभी ईमेल में भी शेयर कर दे रहा हूँ आप जो बोल रहे हो। हमारा जो कन्वर्सेशन है वो मैं शेयर कर दूंगा अमेजोन को, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप टेक्नीशियन भेज रहे कि नहीं वो हमको बताइए। ठीक है सर, मैं देखता हूँ सर टेक्नीशियन। हाँ, कब तक भेजेंगे हमको बताइए सर। आप अगर एक बार मेरे को ऑन कॉल दिखा देते तो अच्छा होता सर। ठीक, हाँ सर, देखते हैं हम आपको, आप मेरे को डिटेल्स भेजिए, आपका प्रोडक्ट इनवॉइस कॉपी एड्रेस और सब मैंने अमेजोन को मेल सर, कर दिया वीडियो है। सर हम प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, अमेजोन को सब मैंने मेल करके वीडियो करके सब भेज नहीं दिया सर, वो डिटेल्स मेरे पास नहीं है। आपको मेरे आप अमेजोन से ले लीजिए, डिटेल का क्या है, अमेजोन से खरीदा है सर। हम लोग कोऑर्डिनेट मतलब हम लोग सर्विस टीम कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे। तो आपको क्या क्या चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप में भेजिए, मैं आपको इनवॉइस कॉपी एड्रेस और वीडियो सर। ठीक है, प्रॉपर वीडियो। ओके, क्या वीडियो चाहिए आपको? वीडियो सर, क्या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसका प्रॉपर वीडियो। क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसका क्या वीडियो करेंगे? मैं तो बोल रहा हूँ ना फिर आपको फोन पे वीडियो सर, अगर नहीं होगा तो सर मैं प्रोसेस सर, अब वीडियो चाहिए ही चाहिए। अब देखिए वो लोग सिंपली डिनाई कर दे रहे हैं कि हम लोग आपके साइट में कोई बंदा भेज ही नहीं सकते हैं, हमारा कंपनी का कोई पॉलिसी ही नहीं है। वो लोग प्रॉब्लम का सलूशन कैसे देते हैं, आपको एक 30 सेकंड का वीडियो उन लोगों को भेजना पड़ेगा, वो लोग वीडियो देख के आइडेंटिफाई करेगा कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद वो लोग सलूशन देने का कोशिश करेंगे। तो मैंने कहा कि देखो दादा, मेरे पास इनवॉइस है, वारंटी स्लिप है, प्रोडक्ट का क्या प्रॉब्लम है मैंने आपको लिख के पूरा डिटेल में भेज दिया है, अब वीडियो में क्या अलग हो जाएगा, वीडियो किस बात का भेजिए आपको व्हाट्सएप में बना के, और मशीन चल ही नहीं रहा है तो मैं आपको समझाऊं कैसे। तो ये वो लोग क्या पता समझे कि नहीं समझे मुझे नहीं पता, कोई रिस्पॉन्स उसके बाद देना बंद ही कर दिया है। व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। 2 दिन बाद वो लोग खुद ही कॉल क्लोज कर देते हैं कि मेरा इश्यू सॉल्व भी हो गया। कुछ सॉल्व किया ही नहीं है, फिर बोल रहा है कि वो इश्यू सॉल्व हो गया एंड अपने आप वो जो कंप्लेंट नंबर मैंने मतलब कंप्लेंट क्रिएट किया था उसे क्लोज कर दिया। खैर वो क्लोज करने के बाद मैंने तुरंत अमेजोन को फिर दोबारा कॉल किया कि अमेजोन कस्टमर केयर को मैंने ये पूरा ही जो मैंने फेस किया उसका स्क्रीनशॉट्स एंड उसका रिस्पॉन्स वॉइस रिकॉर्डिंग मैंने किया था जो मैंने आप लोगों को सुनाया, वो भी उन लोगों को मैंने फॉरवर्ड किया। अमेजोन की ओर से मुझे कहा जाता है कि मैं आपको एक लिंक भेजता हूँ, उस लिंक में आप 5 फोटो अपलोड कीजिए प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट पे लगे हुए सीरियल नंबर का, इनवॉइस का, वारंटी स्लिप का एंड जो मेल आपने ब्रांड को भेजा था उसका। तो मैंने पूरा सब कुछ भेज दिया 26 जुलाई को, उसका कॉपी मैं आप लोग स्क्रीनशॉट का भी दिखाता हूँ।
तो ये सब 26 जुलाई को मैंने भेज दिया। उसके बाद 7 या 8 वर्किंग डेज वो लोग टाइम लिए थे कि ब्रांड के ओर से रिस्पॉन्स आएगा एंड मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 26 जुलाई से आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 17th ऑफ अगस्त को, 26 जुलाई से 17th ऑफ अगस्त को फाइनली जाके मुझे सोल्यूशन मिला। ब्रांड की ओर से नहीं मिला बाय द वे, ब्रांड ने कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं किया एंड आज अमेजोन ने मेरा रिटर्न पिकअप करके लेके गया एंड मुझे रिफंड भी इशू कर दिया है। मतलब अगारो ब्रांड ने मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं किया, सॉल्व नहीं किया, अमेजोन को बाकायदा मेरा प्रोडक्ट रिटर्न लेके जाना पड़ा एंड उन लोगों ने रिफंड इशू कर दिया। मई एंड से अगस्त के 17 तारीख तक मुझे इस चीज को लेके फाइट करना पड़ा, मतलब जून एंड जुलाई 2 महीने के बाद फाइनली आज अमेजोन ने रिटर्न पिकअप कर लिया है, जिसका स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा रहा हूँ एंड मुझे रिफंड भी इशू कर दिया गया है। तो इससे हम लोग क्या समझे, अगारो ब्रांड जो अभी अमेजोन में इतना अच्छा प्रोडक्ट लाइनअप ऑलरेडी कैटलॉग क्रिएट कर दिया है एंड बहुत अच्छा ऑर्डर्स भी वो लोग ले रहे हैं। मैंने हमेशा इस ब्रांड का पॉजिटिव रिव्यूज ही मेरे यूट्यूब चैनल में यू नो शेयर किया है, बट मतलब उन लोगों ने मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा एंड आज जो हकीकत है इस ब्रांड का मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। देखिए ये एक सिंपली कोलकाता बेस्ड कंपनी है जो कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करता है, हर एक चीज वो लोग चाइना से लेबल करके यहाँ पे आके मार्केटिंग करता है। इस अगारो ब्रांड का सर्विस का रिस्पॉन्स को लेके यूट्यूब में बहुत सारे और वीडियोज भी है, आप उसे भी देख सकते हैं। मेरे राय मानिए 300-400 रुपया के लिए आप प्लीज अगारो का प्रोडक्ट मत खरीदिए, मैं आज के बाद नहीं खरीदूंगा बिकॉज ये ब्रांड का जो ऑनेस्टी है वो नहीं है, इट्स अ रियली शेडी ब्रांड। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ, ये वैक्यूम क्लीनर आप देख सकते हैं, इसे अमेजोन में लिस्ट किया गया है 5799। वही सेम वैक्यूम क्लीनर उन लोगों का खुद का वेबसाइट में लिस्ट किया गया है 6799 में, 1000 रुपया ज्यादा। उसके ऊपर वो लोग 20% डिस्काउंट अभी फ्रीडम सेल के लिए दे रहे हैं जो एक हफ्ते बाद या 2-3 दिन बाद चला जाएगा। मतलब सेम चीज अमेजोन में कम दाम में बेच रहा है, वही सेम चीज वो लोग अपने वेबसाइट में दाम बढ़ा के डिस्काउंट दे रहा है। तो ये छोटे छोटे चीजों से आप लोगों को समझ में आता है कि ये कंपनी का क्या पॉलिसी है। कस्टमर सर्विस के नाम पे इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है, कोई ट्रेंड टेक्नीशियन हो या सर्विस सेंटर हो उन लोगों के पास कोई सेटअप नहीं है, सिर्फ एक लेडी को बिठा के रखा है, आदमी को बिठा के रखा है, ये 2 लोग हैंडल कर रहे हैं कस्टमर केयर के कॉल्स और वो लोग कस्टमर से वीडियो मांग रहे हैं एंड वीडियो के बेस पे आपको सोल्यूशन दे रहे हैं। बट इन लोगों के पास ना कोई ट्रेंड टेक्नीशियन है ना इन लोगों के पास कोई सर्विस सेंटर है। मैं खुद कोलकाता से हूँ, मैंने बहुत सारे उपाय से पता करने का कोशिश किया है कि अगारो का कोई सर्विस सेंटर कोलकाता में है कि नहीं, बिकॉज अगारो ब्रांड ही कोलकाता बेस्ड है, बट कोलकाता में भी उन लोगों का कोई भी एक सर्विस सेंटर नहीं है। तो प्लीज प्लीज अगारो ब्रांड का प्रोडक्ट अगर खरीद रहे हैं तो ये मान लीजिए 1 साल तक ये लोग वारंटी देते हैं, 1 साल के अंदर कुछ होता है तो आप फिर भी फाइट करके आपको वारंटी का सपोर्ट मिल जाएगा, बट बकायदा अगर ये वारंटी खत्म होने के बाद आपको कोई कुछ प्रॉब्लम होता है तब आपको वो प्रोडक्ट फेंकना पड़ेगा, बिकॉज इट्स अ चाइनीज प्रोडक्ट। जो मैंने आज जाना है इस ब्रांड को लेके थोड़ा ज्यादा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चला कि इट्स अ चाइनीज असेंबल्ड ब्रांड जो सेल कर रहा है इंडिया में एंड इन लोगों का खुद का कोई भी सेटअप नहीं है। तो प्लीज थोड़े से पैसे बचाने के लिए इस ब्रांड का प्रोडक्ट मत लीजिए, ऐसा कोई ब्रांड लीजिए जो आपके एरिया में सर्विस सेंटर मतलब है या आपके एरिया में ब्रांड का सपोर्ट है। कोई भी अननोन ब्रांड को ऑर्डर करने से पहले आप प्लीज उन लोगों का वेबसाइट या कहीं पे कस्टमर केयर पे कॉल करके उन लोगों का सर्विस सेंटर का पहले या सर्विस का सपोर्ट के बारे में थोड़ा डिटेल लीजिए, उसके बाद जाके ऐसे होम अप्लायंसेज ऑर्डर कीजिए, बिकॉज होम अप्लायंस ऐसी चीज है जो हम बार बार नहीं खरीदते हैं। आई डोंट रेकमेंड अगारो ब्रांड एनी मोर बिकॉज उन लोगों का सच मेरे सामने आ गया है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए आप लोगों को शेयर करना, बिकॉज मैंने इस ब्रांड के बारे में हमेशा अच्छे बात कहा है, बट जब मेरे साथ बुरा हुआ है वो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं दूंगा। एनीवे आज का वीडियो अच्छा लगा, ब्रांड के बारे में डिटेल्स में मैंने बताया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड ऐसे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक गॉड कि मेरा हाई प्रेशर वॉशर रिटर्न हो गया है
एंड रिफंड भी इशू हो गया है। हालांकि मैं नया प्रेशर वॉशर खरीदूंगा, बट इस बार मैं बॉश का खरीदूंगा। उसका अनबॉक्सिंग वीडियो चैनल में बहुत जल्द आने वाला है। टिल देन,